गावसर एक शेयर आजकल बड़ा फैंसी में है, सुजलॉन। तो जिगर मुकेश मेहता ने सवाल भेजा कि उन्होंने 1,000 शेयर ले रखे हैं सुजलॉन के, क्या राय बनती है आपकी इस पे? अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक अप्रूव मिलना चाहिए सुजलॉन में। काफी गिरावट हुई उसके बाद अप्रूव मिला है, लेकिन ऐसा है कि सुजलॉन में एक राउंडिंग बॉटम बना था और उसका कंफर्मेशन मिला करीब 6 रुपीज के आसपास। ख्याल से अप्रूव और मिलना चाहिए, थोड़ा रेसिस्टेंस 20 के आसपास है, 20 और 25 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन लगता है इसमें जो भी डिप मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 20-25 के आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए सुजलॉन। प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अभिषेक अग्रवाल ने आर्टिमिस मेडिकेयर सर्विसेज के 200 शेयर लिए हैं 74 रुपये में। ये बहुत नई लिस्टिंग है, बहुत पुराना नहीं है ये। आर्टिमिस सर, कोड बताएं इसका, हाँ जी, 542919। 542919 या आर्टिस्ट। अच्छा स्टॉक है, मुझे बढ़िया लगता है, चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, लेने की बहुत अच्छी जगह थी 30 रुपीज। इस पर ध्यान नहीं दिया, हमारा न्यू लिस्टिंग है, ध्यान देना चाहिए था। बैटरी का 90 हो, 97। अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से जब भी कोई करेक्शन आते हैं ऑब्जर्व हो रहे हैं। सो फार गुड, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो 90, कंटिन्यू होल्डिंग है। ओके, ये तो ठीक है। और VSJ नाम से एक ट्विटर हैंडल है जिसपे इन्होंने, विवेक है ये ठाणे से, अडानी पावर 700 शेयर ले रखे हैं। इन्होंने दिसंबर 19 में खरीदे थे, दिसंबर 20 तक एवरेज प्राइस 32 रुपये, नाउ 5.56% अप। गावा जी क्या कर रहे हैं? अभी तो इनको कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए अडानी पर, इतनी गिरावट हुई है, 400+ गया था, फिर 150 के आसपास बहुत सपोर्ट मिला, इनकी कॉस्ट बहुत कम है, जस्ट कंटिन्यू होल्डिंग है, क्या दिक्कत है इनको? कंपनी तो बंद होने वाली नहीं है। तो बढ़िया, फायदे में भी तो बैठे हुए हैं। अब जैसे हम रिलायंस को, तो मैं बोलता हूँ कभी बेचना नहीं चाहिए, रिलायंस में किसका लॉस होता ही नहीं, ट्रेडिंग लॉस हो सकता है लेकिन वैसे लॉस नहीं होता, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। वैसे मेरे ख्याल से अडानी पावर भी हो सकता है, हाँ, इनकी कॉस्ट तो वैसे भी बहुत नीचे है, तो कोई चिंता की बात नहीं सर है ये। एक्चुअली राजेश जी हैं कानपुर से, बताइए राजेश जी क्या सवाल है। नमस्कार। गाबा सर को भी नमस्कार। दो सवाल थे मेरे। पहले तो आदित्य बिरला फैशन, मेरा एवरेज 280 रुपए है, 100 शेयर्स है, आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो क्या करना चाहिए, एवरेज आउट करूं या होल्ड करूं कि सेल करूं? सॉरी गाबा सर बताइए, आदित्य बिरला फैशन 280 के भाई भाव पे लिया इन्होंने। आज इसमें बाई सिग्नल जेनरेट हुआ है ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस, और लगता है जो गिरावट आई है, अगर बाई सिग्नल जेनरेट हुआ तो यहीं से बॉटम आउट होना चाहिए। अधिकतर पहला फैशन ट्रेड कर 204 गया था, लेने की जगह भी अच्छी है, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, और होल्ड कीजिए थोड़े वक्त के लिए, 250 भी चला जाएगा, यू नेवर नो, अब 204 पे चल रहा, लेकिन लगता है ये जैसे गिरा हुआ है इसके हिसाब से लगता है यहीं से एक अपमूव मिलना चाहिए, तो बस ओके राजेश जी होल्ड करिए, आप लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। दूसरा सवाल क्या है आपका? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।